दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात की मरकज में कोरोना संक्रमित मिलने से देश में हड़कंप मचा हुआ है। इसी बीच तबलीगी जमात के 12 जमातियों के बाड़मेर जिले के शिव क्षेत्र में होने की जानकारी सामने आने पर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया और उसको शिव क्षेत्र से खोज निकाला। प्रशासन ने सभी 12 जमातियों को शिव क्षेत्र के बरियाडा की गोमटियों की ढानी के एक मदरसे में आइसोलेशन में रखवाया है। अभी तक जांच रिपोर्ट में स्थिति सामान्य पाई गई है। इनमें से एक व्यक्ति जैसलमेर का भी है। हालांकि 12 लोग 25 फरवरी को दिल्ली से जैसलमेर आए और 19 मार्च को बाड़मेर के शिव क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया। इन्हें 23 मार्च को जैसलमेर के रास्ते दिल्ली जाना था, लेकिन 22 मार्च को लॉकडाउन होने से यहीं फंस गए। जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग को इन लोगों की भनक तक नहीं लग पाई। दिल्ली में जमात के लोगों में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ती हुई देखकर अलर्ट होकर प्रशासन ने उन्हें आखिरकार खोज निकाला। जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने इस पर कहा कि जमात के लोग जैसलमेर के रास्ते बाड़मेर पहुंचे थे। इसके बाद उन्हें मदरसे में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। इनके कोरोना वायरस की जांच भी करवाई गई। तब तक उन लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण नहीं दिखाई दिए, फिर भी उनको होम आइसोलेशन में रखते हुए पुलिस गार्ड से विशेष निगरानी करवाई जा रही है। बेसिकली तबलीग जमात से ही ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, लेकिन वो 25 फरवरी को बेसिकली दिल्ली से चल करके और जैसलमेर ज़िले में आए थे और 25 फरवरी से 18 मार्च तक वो लोग जैसलमेर ज़िले के प्रवास पर रहे हैं। उसके बाद में 19 मार्च को वो लोग हमारे ज़िले में ये जो गुमटियों की ढाणी है यहाँ पर आए थे और उसके बाद से वो एक मदरसे में होम आइसोलेशन में उनको रखा गया है। उन लोगों की 12 लोगों की हम अल्टरनेट डे में जांच करा रहे हैं। आज तक उन लोगों में कोई भी कोरोना संबंधी कोई सिम्टम्स है वो नजर नहीं आए। एवन राजस्थान में